हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो कुछ दिनों से आप लोगों ने सभी ने नोटिस किया होगा कि मैं अपने इस चैनल पे टेराकोटा ज्वेलरी रिलेटेड वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने अपना कंटेंट चेंज नहीं किया है, मैं व्लॉग वगैरह भी इसमें डालते रहूँगी जैसे मैं कहीं बाहर गई या मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं टेराकोटा ज्वेलरी से रिलेटेड अब वीडियोज़ जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आपने जैसे पहले के वीडियोस में मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है, सेम वैसे ही आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी टेराकोटा ज्वेलरी से रिलेटेड उसमें भी आप मुझे पहले जैसा प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी अभी देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा होगा कि मिट्टी से ही तो बस बना रही है ज्वेलरी, बहुत इजी है, कोई भी बना लेगा, पहले मैं भी ऐसे सोचती थी, सेम यही थॉट मेरा भी था कुछ समय पहले जब मैं ऐसे वीडियोस देखती थी और उनको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दिया करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई इसे बना सकता है। पर वो होता है ना, वीडियो जैसे स्क्रॉल करते करते बार बार वही चीज़ें आपके सामने आती ना तो आपको फिर वो चीज़ पसंद आने लगती है। मुझे मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ, फिर ये मुझे बहुत पसंद आने लगा और फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ करना है और फिर मैंने इसे स्टार्ट करने के लिए सब चीज़ें पता की, वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए और एक मैम है जिनका यूट्यूब में चैनल है उनसे मैंने बात किया, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उनसे मेरी व्हाट्सअप में चैटिंग हुई, उन्होंने मुझे सब चीज़ डिटेल में अच्छे से बताया। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें, उनसे बात करने से पहले ही मैंने सारी चीज़ें ऑर्डर कर चुकी थी मैं, बट कुछ चीज़ें थी जिनमें मुझे कन्फ्यूजन था तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा के वो जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दिया। तो उसके बाद जब मैं इसे बनाने बैठी ना पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बना लूँगी, बहुत आसान है, सब तो बनाते हैं, मिट्टी तो है और डिज़ाइन ही तो करना है, अपने पास सब चीज़ है, बना लूँगी। तो जब मैं बनाने बैठी ना बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और मैं मुझे तो पहले तो डिज़ाइन नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ। फिर सिंपल सा एक डिज़ाइन जो है मैंने वो बना रही थी तो बन नहीं रहा था क्योंकि जो क्ले होता है या मिट्टी बोल दीजिए आप नॉर्मल भाषा में अगर आप बोलेंगे तो मिट्टी ही होती है ये लाल मिट्टी, बट जब मैं इसको पकड़ कर ऐसे बनाने लगी ना तो वो क्रैक होने लगा, वो इतना स्मूथ तो था, एकदम चिकना था लेकिन पर ना वो उसमें क्रैक आ रहा था और बार बार अच्छे से नहीं बन रहा था, उसमें जो भी डिज़ाइन मैं कर रही थी वो अच्छे से आ नहीं रहा था, उभर नहीं रहा था। जैसे तैसे मैंने एक सेट कंप्लीट किया बहुत ही सिंपल तरीके से और उसके बाद फिर मेरे हाथों में ऐसे फिनिशिंग आती गई है ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब सारी वीडियोज़ मैं एक के बाद एक आप लोगों के साथ शेयर की हूँ तो आप लोग बताइएगा देखकर, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।